अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करते हैं तमाम देखने वाले हमारे खैरियत से होंगे। जैसा कि इस्मान भाई की ट्रांसफॉर्मेशन चल रही थी तो आज वहीं से दोबारा आगाज करेंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपको बताया था, कुछ कामों की वजह से इस्मान भाई नहीं आ रहे थे, तो आज ज्वाइन किया इन्होंने दोबारा हमें ट्रांसफॉर्मेशन में। ड्रॉप सेट पर जो है जस्पर कोड आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। 4 से 5 जो एक्सरसाइजें होंगी ड्रॉप सेट की, वो आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे आपका चेस्ट का फैट भी खत्म होगा और आपको जैसा कि पता कंपटीशन है और उसकी भी हमारी प्रिपरेशन जारी है। तो आप करते हैं आज का वर्कआउट स्टार्ट। जी गाइस, फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी बेंच प्रेस है, डोरसेट करेंगे इसमें। ओके, रैप 3 से 4 होंगे पहले सेट में। आ जाए इधर साइड पे, आ जाए वन मोर। ओके सारे ब्रेन हैवी से लाइट वेट पे जाएंगे। सारे प्लेट शाबाश, वन मोर उतार दे। अब बिल्कुल लाइट वेट है, 5 रेपिटेशन करेंगे। ओके जी गाइस, बेंच प्रेस के बाद डिक्लाइन बेंच, इस पे भी ड्रॉप सेट करेंगे। पहला जो सेट लगाया बेंच प्रेस का इनर पार्ट के लिए, सेकंड अब लोअर के लिए लगाने जा रहे हैं। तीनों बेंच टारगेट करेंगे अपने ट्रांसफॉर्मेशन में। शाबाश, 1 2 3, वन मोर शाबाश। ओके रख दो ऊपर। लगाए अब 4 रैप। पहले हम फुल हैवी से स्टार्ट लेते हैं, फिर आधा सा वेट ड्रॉप करते हैं। हैवी वेट होगा, रैप 3 लगेंगे, वेट लाइट होता जाएगा, आपने रेपिटेशन बढ़ानी है ताकि आपकी फैट लेवल कम हो। शाबाश, चले अब कम से कम 5 से 6 रैप। थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा पूरा ऊपर। गर्मी जैसा कि आपको बताया बहुत ज्यादा है और ये जुलाई के महीने ट्रेनिंग जारी है और 4 तारीख को कंपटीशन है, तो डाइट में होने के बावजूद आपके सामने ड्रॉप सेट कर रहे हैं, आसान काम नहीं है इस मंथ में ट्रेनिंग करना। जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है वो जानते हैं कि जून जुलाई में ट्रेनिंग आसान नहीं होती, और कॉम्पिटिशन लेवल में डाइट करके ट्रेनिंग करना वेरी डिफिकल्ट। जी गाइज, लास्ट सेट करेंगे डिक्लाइन बेंच का। इसके सेट थोड़े ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि लोअर थोड़ा सा वीक है। वन मोर, ओके तार दो प्लेट। अब रैप थोड़े ज्यादा, 2 3, वन मोर ओके तार दें। ओके अब लगाओ आप 10 3 सेट करने टोटल। हाँ बहुत अला, शाबाश। लाइट वेट है, कोशिश करना है, एनर्जी लेवल अच्छा है तो 10 रेपिटेशन करनी है जब फुल लाइट हो जाएगा। जब फुल लाइट वेट होगा तो कम से कम आपने 10 रेपिटेशन करनी है। जी गाइस, डिक्लाइन बेंच कंप्लीट हो चुका है, जो कि हमारे लोअर चेस्ट को टारगेट किया था, इंक्लाइन बेंच की तरफ आ चुके हैं, अपर चेस्ट को टारगेट करेगा, इसमें भी ड्रॉप सेट करेंगे। इस्मान भाई हैवी वेट से स्टार्ट ले रहे हैं, इसमें भी जितने भी एक्सरसाइज किए हैं हैवी से स्टार्ट किया और लाइट वेट पे फिनिश करेंगे। वन मोर, ओके वेट उतार दो। शाबाश, पहले 4 रैप अब 5 रैप। वन मोर ओके उतार दो प्लेट। ओके इजी हो जाए, अब फुल लाइट वेट, 5 रेपिटेशन। वन मोर, ओके शाबाश। जी गाइस, तीनों बेंच कंप्लीट हो चुके हैं, अब क्रॉस ओवर की तरफ, 2 आर्म क्रॉस। चलें, कंपटीशन वाला एंगल लगाएंगे। वेरी गुड ठीक है, डम्बल मेरी तरफ घुमाओ पीछे की तरफ।
रैप कम अज कम इसमें 20 से 15 करने हैं, रेपिटेशन ज्यादा करनी है। ऊपर देखें थोड़ा सा सामने, ये बहुत वाला जी गाइस, लास्ट अटैक क्रॉसओवर का। इसके बाद अपने आज के वर्कआउट की लास्ट सेक्शन की तरफ जाएंगे, जो हमारा फिनिशर होगा ड्रॉप सेट चेस्ट वर्कआउट का। वेरी गुड, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएशन है ये, लेकिन कंपटीशन टेस्ट में लगा सकते हैं। बिगिनर और इंटरमीडिएट ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते, एडवांस लेवल पे ये एक्सरसाइज की जाती है। शाबाश, होल्ड रखो, रोके रखो ऐसे बस। ओके, लास्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं जी गाइस। ड्रॉप सेट चेस्ट वर्कआउट का फिनिशर बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। आपने जितने दो पार्ट देखे हैं उस्मान भाई की ट्रांसफॉर्मेशन में, पहले हमने डंबल के साथ पुल ओवर करके दिखाया, फिर आपको बारबेल के साथ करके दिखाया, अब लैट पुल डाउन जहां आप वार्म अप करते हैं अपनी तमाम एक्सरसाइज का, उसके साथ हम आपको पुल ओवर करके दिखाने जा रहे हैं। बहुत ज्यादा इफेक्टिव है आपके लैट्स के लिए, आपका चेस्ट यानी कि लोअर फैट खत्म करने के लिए। उस्मान भाई इसके लिए आपको हेल्पर की जरूरत पड़ेगी, और आप ग्रिप करेंगे बिल्कुल क्लोज करके, ये देख सकते हैं उस्मान भाई की ग्रिप। ओके, अब पीछे की तरफ डाउन जाएंगे फुली, बस अब नीचे दुकान है, नहीं मुंह थोड़ा उठा के ऊपर, बैंक थोड़ा सा आगे होगा नेक्स्ट टाइम, आगे जाने दें, खुलने दें इसको फुली। आपने कोशिश करना है इसको अपनी लेफ्ट की तरफ लेकर आना है, ये चीज मुझे पकड़ाए, आप आगे जाए थोड़ा सा, आगे चले जाए, बेंच के सेंटर पे आपका हेड होना चाहिए, थोड़ा सा और आगे, और आगे, और बस। ओके, अब लगाए थोड़ा हाथ बाहर करें, ओके लगाएं इरफान भाई, ये इधर आ जाए ब्लैक वाले पे। पोजीशन थोड़ी सी ठीक नहीं थी, अब पोजीशन ठीक की, आप देख सकते हैं प्रॉपर एंगल। शाबाश, ऊपर देखो ऊपर, वो मैट है ना नीचे, इस वजह से रैप कम अज कम 15 से 12। मुंह पर रख रखी ऊपर, फेस ऊपर, बहुत आला यार, फ्रंट फ्रंट। ओके, सॉरी लास्ट अटैक गाइस। ओके, ध्यान से हाथ, ग्रिप नहीं ठीक आपकी, गार्ड थोड़ा टेढ़ा हो रहा है आपका, ग्रिप ठीक करें। ठीक है, ठीक ओके है। सीधा आने, स्लोली आने दीजिए जी, फेस उठा के रखें, हेड उठा के, जितना नीचे की तरफ स्ट्रेच हो सके आपके लिए अच्छा, बहुत आला। रोके रखो आगे थोड़े देर, अब नीचे स्लोली आने दो। ओके, जी गाइस ये था हमारा ड्रॉप चेस्ट वर्कआउट ट्रांसफॉर्मेशन, जैसा कि जारी है ओलंपिया नेचुरल 2024 के लिए। आपको 4 से 5 एक्सरसाइजें बताई हैं चेस्ट वर्कआउट में, कैसे आपने डेवलप करनी है, और इस टाइम आप स्मॉल ब्रेकिंग कंडीशन में ज़्यादा लगा सकते हैं कि माशाल्लाह फुल बॉडी पंप हो चुकी है और फुल डाइट के साथ हैं इस टाइम। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, अपना भी ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का भी। बाय बाय एवरीवन, वहाँ भी थोड़ी सी शोल्डर वगैरह।